नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा आर्टिकल जो सालों से जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बना हुआ है। आज हम इसके फायदे और नुकसान की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे वास्तव में ये आर्टिकल 370 है क्या। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने धारा 370 को खत्म करने की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में। बीजेपी काफी सालों से इस धारा के खिलाफ है, काफी सालों से इस धारा का विरोध करती रही है और इसी को इन्होंने अपने 2019 के घोषणा पत्र में, अपने 2019 के संकल्प पत्र में इसी बात को फिर इन्होंने दोहराया है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के जो वहां के लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा था धारा 370 भारत और जम्मू कश्मीर के बीच रिश्ते की एक कड़ी है, या तो धारा 370 रहेगा या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को धमकाते हुए कहा था कि जब आप 370 से जम्मू कश्मीर को आज़ाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आज़ाद करोगे। इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप आग से खेलना बंद कर दो, क्योंकि जब आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा और ना ही हिंदुस्तान रहेगा। इस तरह के शब्द वहां के नेता बोलते हैं। अभी अभी एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है कि धारा 370 को छेड़ना बारूद को छूने जैसा है, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करना उस टाइम की बहुत बड़ी जरूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर की जनता को उस समय दिए गए थे। ये विशेष अधिकार इस प्रकार हैं। धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामले में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती है। इसी कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है, यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है, J&K की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते हैं। भारत की संसद को जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। यदि जम्मू एंड कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस पाकिस्तानी को भी जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI और CAG जैसे कानून लागू नहीं होते हैं। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू हैं। कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है। कश्मीर में आज भी चपरासी को आज भी 2500 रुपये सैलरी मिलती है। कश्मीर में जो हिंदू सिख वहाँ अल्पसंख्यक हैं उन्हें 16% आरक्षण नहीं मिलता है। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। दोस्तों, इन सारे विशेषाधिकारों की वजह से ही जम्मू और कश्मीर हमारे देश के अंदर अलग देश जैसा है। देखते हैं इस बार भी बीजेपी इस धारा को ख़त्म करती है
या फिर राम मंदिर जैसे इस मुद्दे को भी एक चुनावी जुमले जैसा इस्तेमाल करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में